तुमने जिद पूरी कर ली है ना, बता दो सर। लेकिन इतना याद रख लाकू क्या यही ना, क्या नाता तोड़ देंगे? अरे अब बचा ही क्या है इस रिश्ते में, तोड़ दीजिए ये नाता। लेकिन मैं अपने मायके वालों से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती कि आप सबको धोखा दे रहे हैं। मैं सबको सच बता दूंगी कि आप उस अग्रवाल के साथ मिलकर कितना घिनौना खेल खेल रहे हैं आप। छोड़िए मुझे, बता दूंगी सबको कि करिश्मा की शादी सिर्फ एक धोखा है, आदित्य मंडप तक आने वाला ही नहीं है। और बता दूंगी कि आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी प्रॉपर्टी और सारा कारोबार सिर्फ आपके नाम हो सके। ठीक है पर मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ूंगा गीतू, मैं जिंदगी से नाता तोड़ लूंगा। अगर तुमने घर में किसको भी सच्चाई बताई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं मर जाऊंगा अगर तुमने अंदर किसी को भी ये सच बोला कि आदित्य कल शादी में नहीं आने वाला, अग्रवाल जी खुद उसे किडनैप करने वाले और आमा को मैं बेवकूफ बना के सब अपने नाम करना चाहता था। अगर तुमने अपने मुंह से ये बात बोली गीतू, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जाके सच बता दो सबको, बोलो सच। लेकिन जब लौट के आओगी ना तो अपने माथे से सिंदूर पहुंच के आना, बच जाऊंगा मैं। बहुत कीमती है बुआ जी, दवाई है। आज गोपाल ने आपका पूरा सच सुन लिया है, वो आपके मुंह पर ताना लगा के गए हैं, जान देने की धमकी दे के गए हैं। पर हम दोनों तो किसी भी बंधन से बंधे नहीं है ना, अब गोपाल ही इस सच को पूरे परिवार के सामने लाएंगे बुआ जी। हे गोपाल जी, मेरी करिश्मा नादान है, ना समझ है। उसे अपने ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो मायके को भूल जाए, अपनी कृपा बनाए रखिएगा उस पर। गोपाल जी, आपके आशीर्वाद से आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसे हमेशा खुश रखिएगा। रिलैक्स मिठाई, अभी तो आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है, सच बाहर आने तो फिर देखो सब तुम्हें कैसे गले लगाते हैं। अरे जीजी, आप यहां से मुंह लटका के क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं, बेटी की विदाई है ना, तो जी बेटियां तो होती ही पराया धन है,
तो जाना ही होगा ना। अम्मा जी, बाऊ जी, आप लोग के आशीर्वाद से आज करिश्मा की शादी हो जाएगी और वो इस घर से विदा हो जाएगी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अरे करिश्मा बेटा, कब तक तैयार नहीं हुई? ये दूल्हे राजा आते ही होंगे। चल मैं तुझे तैयार करूं। चल। डैड, आपका प्लान सक्सेसफुल होगा ना? वरना वो करिश्मा मेरी वाइफ बन गई ना तो मेरी लाइफ। अरे बाहर मेरे आदमी खड़े हैं बैक साइड में गाड़ी लेकर, चुपचाप जाके उसमें बैठ जा। मैं खुद जाके गाड़ी में बैठ जाऊं? ये बड़ी अजीब किडनैपिंग है। यू आर ग्रेट डैड। मैं आधे घंटे में चौबे परिवार के घर पहुंच जाऊंगा। तभी मुझे तुम्हारी फिरौती का फोन आना चाहिए। ओके डैड, जब कॉल आएगा ना मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि सबको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच में किडनैप हुआ। सुगी, मेरी पगड़ी लेके आओ। गोपाल, बंसी भट्ट को कुरुक्षेत्र बना दिया है इसी परिवार के किसी एक शख्स ने। अब इस छल कपट के खेल को बस तुम ही रोक सकते हो। अजय, गोपाल पर भरोसा रखिए, वो वही होने देंगे जो सबके लिए सही होगा। गोपाल ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अरे वाह, तुम लोग भी बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। आराम से भाई, किडनैप अपनी मर्जी से हो रहा हूं। शादी मुबारक। स्वागत है छोटे अग्रवाल। गले से आवाज निकली तो गोली भेजे के अंदर। आई बात समझ में? पर डैड ने तो कहा था किडनैपिंग उनके लोग करेंगे। ओए खरबूजे के बीज, तेरे डैड के दिमाग से तेज हम दोनों का दिमाग चलता है। ये बाप बेटों का खेल तुम पर ही भारी पड़ गया। पर तुम लोग लेके कहाँ जा रहे हो मुझे? तुझे अपनी किडनैपिंग खुद करवानी थी ना, ताकि मेरी बहन से तेरी शादी ना हो। शादी तो तेरी होगी नहीं, और अब तू अपने डैड को मजबूर करेगा सब कुछ सच सच बताने के लिए। सुन भैया, गर्दन टाइट पकड़ो उसकी। इनके हाथ में कागज देख रही हूँ मिठाई, हमें इनकी इसी साजिश को नाकामयाब करना है। वो आभा दिखाई नहीं तेरी, यही कही होगी बेटी की शादी है तो। बाबूजी से मिल लो। बुआ जी, मिठाई आपसे वादा करती है कि इस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। मिठाई बस अभी आई। अरे बेटा गीतू, इधर आ बेटा। आप बैठो गोपी से विराज। अरे फूफा जी सॉरी, वो मिठाई ने नहीं देखा। देख के चला करना मिठाई। ये क्या है इसमें? कुछ नहीं है।
मिठाई मिठाई, वो पेपर लेकर ऊपर जा रहे हैं। बुआ जी, मिठाई नहीं, पेपर बदल दिया है। एक बार बस तुम लोग का दस्तखत हो जाए, फिर सब कुछ वापस दत्तू के नाम पे हो जाएगा। पर बुआ जी, इसमें आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, बोलना मिठाई, क्या करना है? तुम दोनों मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये कौन सी जगह है? क्या ये सब? ये वही जगह है जहाँ तुझे तेरा बाप किडनैप करवा करके छुपाने वाला था, और वहाँ हमारी बहन मंडप में रोती रहे, और तुम दोनों बाप बेटे हम चौबे खानदान का मजाक बना करके ठहाके मारो। हाँ, तमाशा तो तू देखेगा आदित्य, रोएगा तू और तेरा बाप। तुम दोनों बाप बेटे नाक रगड़ के माफी मांगोगे हमसे, समझा? क्या बकवास है सब? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? करिश्मा मेरी राह देख रही होगी, क्या गुजरेगी उस पर? बहन है ना तुम्हारी, वो प्यार करना उससे कोई गुनाह है क्या? करिश्मा का नाम भी लिया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? बाप बेटे कितना झूठ बोलते हो। वो करिश्मा के साथ शादी करने वाला था। रियली? तू उसके साथ मंडप में भी खड़ा हुआ ना तो मैं तेरी टांगे काट दूंगा, समझा? यू चीटर, हमारी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो तुम्हें लगा कि तुम हमें धोखा देने में सक्सेसफुल हो जाओगे। वे उजड़ी हुई सल्तनत के राजकुमार, करिश्मा के 3 भाई हैं। नसीब अच्छा है तेरा कि अभी यहाँ 2 है, अगर तीसरा होता ना तो तुझे अब तक खत्म कर चुका होता, समझा? आप हाँ इन पेपर पे साइन कर दे। अरे जीजा जी, इतना सारा काम पड़ा है, बेटी की शादी है, अभी जरूरी है क्या साइन करना? अरे तू इधर आ, अरे इधर आ, इन पेपर्स को आज फाइल करवाना है, फिर हम दोनों बराबर के पार्टनर हो जाएंगे। जल्दी कर, कोई देखेगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, साइन कर। हाँ। ये ले। हाँ छोटी भाभी, कर दीजिए ना साइन। तुम भी? अब मैं तो हमेशा आपका साथ ही दूंगी ना। वाह, मैं जानता था कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे माथे का सिंदूर पूछ जाए। भाई आखिर पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ देते हैं, है ना? जब अब छोटी भाभी अपने पति के लिए लड़ाई कर रही है तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊं? ये बात। हाँ तो चलिए ना, आप भी जल्दी जल्दी इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। आइए आइए, वक्त बहुत कम है हमारे पास, चलिए चलिए। मैं जानता हूँ तेरे बारे में सब कुछ, तू है ही पैसे, बहुत ही प्यारी। या ना? हाँ जी। समझदार भी है। मिठाई। जी बुआ जी। बेटा मुझे ना एक मदद चाहिए थी। देख, हम दोनों तो यहाँ पे शादी में अटके हुए हैं, ये कुछ जरूरी पेपर्स हैं, इन्हें आज ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाकर थप्पा लगा के वापस लेकर आना है। जी बुआ जी। पेपर मिठाई को बोलती है। आप भी ना समझते नहीं है, अगर हम दोनों शादी के टाइम पे यहाँ पे नहीं रहेंगे तो बाद में सबको हम पे ही शक होगा, और इस पे तो कोई शक करने वाला है नहीं। इसको क्या समझ में आने वाला है कि क्या लिखा है पेपर्स में? और वैसे भी अगर ये यहाँ पे रहेगी ना तो किसी ना किसी बात पे अपनी टांग अड़ाती रहेगी। इससे अच्छा ये है इसे ही इस्तेमाल करके हम अपना काम निकलवा लेते हैं। तो मैं जाऊं बुआ जी? मैं बस यू गई और यू आई। वैसे बुआ जी, थैंक यू। वैसे फूफा जी, आपके लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे अभी बता दूं या बाद में बताऊं? बाद में तो पता चल ही जाएगा, अभी बता दे। तो फूफा जी, आपको जो बात बतानी है वो ये है कि
मिठाई ने ये पेपर बदल दिए थे और इन पेपरों के हिसाब से अब सब कुछ दद्दू के नाम पे हो गया है, मतलब ये घर और पूरा कारोबार। और आप लोगों के प्लान के हिसाब से आदित्य जी का अपहरण भी हो चुका है, पर यह अपहरण किया किसने क्या आपको जल्दी पता चल जाएगा। मिठाई आपको नहीं बताएगी क्योंकि आपकी पोल सबके सामने खुलने वाली है ना आज। चल मुझे टाइम नहीं है। रुक मिठाई। रुकिए। आलजी बेशबुआ जी। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया या मिठाई को रोकने की कोशिश की तो जो आपने पेपर्स बनवाए हैं ना वो मैं जाके बाऊजी को दे दूंगी, फिर चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा आपको डूब के मरने के लिए। अपने पति से ज्यादा तुम्हें अपना परिवार प्यारा लगता है, क्या सोचती हो हमारी पोल खोल दोगी? भले ही तुमने मेरे हाथ बांध दिए हैं लेकिन मेरे साथी भी हैं, तो इस खेल के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। भले यहां से मिठाई निकल गई है लेकिन रो, वो मिठाई अभी घर से निकली है, उसे पकड़कर बंद कर दो। वो किसी भी हाल में रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचनी नहीं चाहिए, समझे? सुंदर लग रही है, बस किसी की नजर ना लगे। बहुत मलूक लग रही है हमारी पोती। अरे अभिषेक जी, प्रमोद जी, बाबू जी, मैं लूट गया। क्या हो गया? लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे बेटे का अपहरण हो गया। हे गोपाल जी, मुझे कौन से पाप की सजा दे रहे हो? आदित्य का अपहरण हो गया। बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, पता नहीं आपका हमारा कौन दुश्मन है मथुरा में। दो चार धमकी भरे फोन कॉल आए, मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है और मेरा बेटा खुशी खुशी दूल्हा मत कर सच कर घर के बाहर निकला और कोई उसे उठा के ले गया। बाबू जी, अग्रवाल जी, आपको कोई गलत फहमी हो गई, हम खोज लेंगे आदित्य को। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, ये दोनों यहाँ पर। ए, कौन हो तुम लोग? उल्लू के पट्टो, तुम यहाँ? मेरा बेटा कहाँ है? अग्रवाल जी, कौन थे वो? पता नहीं। निकल जाओ यहाँ से वरना गोली मार दूँगा। आओ यहाँ से। देखो, चुप। बताता हूँ तुझे। अग्रवाल साहब, डेट चुप। सिद्धार्थ चौबे, ये जिसके घर में अभी आप खड़े हो नौटंकी कर रहे हैं। आपने क्या सोचा था? आप मेरी फैमिली और मेरी बहन के साथ खेल रचेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या है कि आपका खेल आप पर ही भारी पड़ गया। आपका बेटा मेरे कब्जे में। बोल। डैड, डैड, बोल। एक सेकंड बस। ओए, अब आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं। या तो आप मेरी फैमिली को सब कुछ सच सच बता दीजिए, या तो अपने बेटे के अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट कर लीजिए। एक सेकंड, मैं गिनती 10 तक गिनू या 5 तक, या आप डिसाइड कर लीजिए अग्रवाल साहब। ए, क्या ये सब? तुम दोनों मुझे गोली मारोगे? हाँ। I'm sorry, मैं बैठा हूँ। अग्रवाल साहब, ये आपके घोचू बेटे को लगता है कि हम इसकी जान नहीं ले सकते? अगर आपकी पुरानी हवेली में अब भी दिमाग का लालटेन चल रहा है तो इसे समझा दीजिए। क्या है कि मुझ पर एक केस चल रहा है, एक और चल जाएगा और जेल जाने का डर मुझे है नहीं। वो स्वाद भी चख लिया मैंने। आप डिसाइड कर लीजिए। मेरा भाई
काउंटिंग शुरू कर रहा है। अब गिनती 5 तक नहीं, सिर्फ 3 तक। डैड, एक, डैड, दो, एक, अब टाइम खत्म, खेल खत्म। डैड, डैड, मान लो उनकी बात, डैड, मान लो। नहीं 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 रुको, गोली मत मारना, मेरे बेटे को गोली मत मारना। मैं सबके सामने अपना हर गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो आप कॉल चालू रखिए और सच बोलना शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। बाजी, किससे बात कर रहे हैं, किसका फोन है? सब्दी जी, पुलिस को कॉल करिए ना। ओ, नहीं, पुलिस नहीं, मेरे बेटे की जान पर बनाई है। अरे बाबूजी बिश्नोई है बाबूजी, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरा बेटा आदित्य करिश्मा से शादी करना ही नहीं चाहता था। ये सब कुछ एक दिखावा था, फरेब था, जो मैंने ही प्लान किया था आपके दामाद प्रमोद जी के साथ मिलकर।